हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज हम लोग जो टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, 65th ग्रैमी अवार्ड्स। ये आपको प्लेलिस्ट के करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगा, और इसी से एक और एक वीडियो में डालूंगा, वो आपको जनरल स्टडीज में मिलेगा, जो कि जनरल बारे में रहेगा, ग्रैमी अवार्ड का बारे में, और इंडियन नोटेबल इंडियन जो विनर है उसके बारे में रहेगा। ये सिर्फ रहेगा एक्सक्लूसिवली 65th ग्रैमी अवार्ड के बारे में, अभी जो वीडियो में बनाने वाला हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप मेरा जो चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट का बाजू में कम्युनिटी बोल के सेक्शन है, उसको जरूर देखना, कि वहां मैं डेली शाम 7 बजे एक क्वेश्चन देता हूँ जनरल स्टडीज या सीए का, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी रहता है, जो कि 25-30 तो हो ही गया होगा, थोड़ा थोड़ा देखने से आपका ज्ञान बढ़ते रहेगा। तो आते हैं ये 65th ग्रैमी अवार्ड के बारे में। 65th ग्रैमी अवार्ड जो है ये रिसेंटली अमेरिका में हुआ, और इसके जो होस्ट थे ट्रेवर नोआ, जो कि साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन है एक, और ये जो अवार्ड दिया गया, इसका जो टाइम पीरियड था अक्टूबर 2021 से लेके सितंबर 2022, इसके अंदर जो भी एल्बम या म्यूजिक रिलीज हुआ सिर्फ उन लोग ही एलिजिबल थे। ओके, और कुछ खास खास अवार्ड के बारे में मैं बता दूं, वैसे तो बहुत लंबा कैटेगरी है, बहुत ज्यादा लिस्ट रहता है, 5-6 के बारे में मैं बताऊंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये मिला अबाउट डैम टाइम को, रिकॉर्ड का नाम है, और जो आर्टिस्ट है उनका नाम है, यानी कि सिंगर है, उनका नाम है लीजो। ठीक है, उसके बाद आता है एल्बम ऑफ द ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हैरिस हाउस को मिला है एल्बम, और इसके जो सिंगर है उनका नाम है हैरी स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला जस्ट लाइक दैट को, बोनी रेट इसका सिंगर का नाम है। अच्छा, बेस्ट पॉप सोलो का अवार्ड इस बार मिला है इजी ऑन मी अडेले को, अडेले आपको मालूम होंगे बहुत ही फेमस सिंगर है। अच्छा, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला इस बार समारा जॉय। ओके, और बेस्ट डांस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एल्बम मिला है बियॉन्से को। मैं बता दू, बियॉन्से को इस बार जो अवार्ड मिला है उसके बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, ग्रैमी जीतने वाली वो सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाली बन चुकी है, 32 बार उन्होंने ग्रैमी जीता अलग अलग कैटेगरी में। इससे पहले जो 31 बार जीता था सर जॉर्ज सॉल्टी नाम के एक सिंगर थे, उन्होंने जीता था। और एक ग्रुप के हिसाब से सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है, मतलब जो बैंड होता है यू टू एक ग्रुप है, उसे मिला है सबसे ज्यादा बार, और इंडिविजुअल में बियॉन्से को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे कॉम्पिटिशन के लिए, ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ, बेस्ट न्यू एज एल्बम, ये मिला है डिवाइन टाइट्स को, और इसमें कौन कौन थे, रिकी केज, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये एक इंडियन अमेरिकन है रिकी केज, और उनके पार्टनर थे स्टुअर्ट कोपलैंड। ठीक है, और रिकी केज को इससे पहले भी दो बार मिल चुका है, एक बार 2015 में और एक बार 2022 में। 2015 में मिला था उन्हें विंड्स ऑफ समसारा के लिए, और 2022 में भी इसी के लिए मिला था डिवाइन टाइट्स के लिए। और रिकी केज एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, और एक अच्छा आपको ट्रिविया में बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। क्या चीज के हो, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसके ये गुडविल एम्बेसडर भी हैं। तो ये रिकी केज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि जनरल स्टडीज कैटेगरी में रहेगा प्लेलिस्ट का, उसमें हमें ग्रैमी के बारे में बताऊंगा, और नोटेबल इंडियन विनर जो है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आपने प्लेलिस्ट में देखना है, और मैं लिंक इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, और ज्ञान तो जरूर बांटे।